लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी अस्पतालों के बदहाल सिस्टम ने एक बार फिर प्रदेश को शर्मसार कर दिया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भारद्वाज परिवार जवान बेटे हिमांशु को मृत घोषित कर शव मॉर्चुरी में रखवा दिया। परिवार बेटे की मौत का शौक बना रहा था, इसी दौरान अस्पताल से ही चौंकाने वाली खबर आई। हिमांशु की सांसें चल रही थीं। अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मी की सूझबूझ से यह पता चला। उसने शरीर में हलचल देखी तो तुरंत डॉक्टर को बताया और हिमांशु को वार्ड ले गया। बाद में परिजन उसे लेकर नागपुर के सुरेटेक अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज चल रहा है। नागपुर के न्यूरॉन अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने हिमांशु के परिजनों को यह कहकर वापस लौटा दिया कि हिमांशु की हालत काफी खराब है, वह ब्रेन डेड है। सोमवार सुबह करीब 4 बजे परिजन हिमांशु को जिला अस्पताल ले आए। यहां ड्यूटी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 4:15 बजे हिमांशु को जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया गया। सुबह परिजन हिमांशु को लेकर पहुंचे थे। गाड़ी में ही उसकी जांच की गई, तब पल्स और सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद उसे डेड घोषित कर मॉर्चुरी में रखवा दिया गया था। ब्रेन डेड की स्थिति में ऐसी कंडीशन बनती है, इसे ट्रांजिशनल कहा जाता है। इसमें हार्ट और पल्स काम करना बंद कर देते हैं और फिर से शुरू हो सकते हैं। ब्रेन डेड होने पर शरीर के अन्य हिस्सों से ब्रेन का संपर्क टूट जाता है। यह ट्रांजिशनल की स्थिति लग रही है।